आज जहाँ पे हम लोग कवरेज करने के लिए आए हैं, ये बहरिया टाउन में एक मेला लगा है। स्नैक्स हैं, फेस पेंटिंग है और मेहंदी आपके सामने। बहुत अच्छा है, इस तरह ये अगर हर साल होता रहे तो बहुत ही अच्छा है। देखें, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि जहाँ पे अगर आप देखें तो शहर से बिल्कुल ही दूर हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे बहरिया वाले जितने भी हैं, और किसी भी चीज़ की परचेसिंग के लिए जब काफ़ी दूर जाना पड़ता है तो एक बहुत अच्छा ये काफ़ी अप्रिशिएबल जो है एक्ट है इनका, बहरिया का, कि इन्होंने इनिशिएट किया कि यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है कि अब आपको बहरिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो और भी किसी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ता, बस इस तरीके की ये फीलिंग आ रही है कि जो ना ईद के अंदर जो ना वी आर इन टू इन द ईद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब नफीस है, मैं डील्ज़ाबाद के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डील्ज़ाबाद जो है हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस लेकर आता रहता है और डिफरेंट चीज़ें कवरेज करता रहता है, तो इसी तरीके से आज जहाँ पे हम लोग कवरेज करने के लिए आए हैं, ये बहरिया टाउन में एक मेला लगा है। आप जैसे कि मेरे बैक साइड पर यानी कि बोर्ड पढ़ सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची ईद मेला फेस्टिवल लगा हुआ है, जो कि बहरिया ने स्पेशली आके जो रिहायशी हैं उन लोगों के लिए लगाए ताकि वो लोग भी कुछ इंटरटेनमेंट करें और इन्जॉय करें यहाँ के माहौल को और ऐसी चीज़ों को। और ऐसी चीज़ आप लोगों को पता है कि आजकल के टाइम पे बहुत कम हो रही हैं, तो इसी वजह से जो है बहरिया ने ये ऑर्गेनाइज करवाया इवेंट, छोटा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया ताकि यहाँ पर फैमिलीज आएँ, इन्जॉय करें और पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएँ, इस माहौल को इन्जॉय करें। तो इसी तरीके से हम लोग भी इस यानी कि पूरे इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं, तो मेरे ख्याल से अंदर चल के बातें करने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, तो चलते हैं अंदर और मुलाकात करते हैं आके यहाँ पे लोगों से कि उनकी क्या राय है इस बारे में, इस इवेंट के बारे में क्या राय है और इस इवेंट में कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं और मतलब क्या क्या है इस इवेंट में, तो चलें चलते हैं, बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। जी तो भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं कराची यानी कि जो ईद मेला फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवाम यानी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं रिहाइश पजीर हैं उनका रश देख सकते हैं और कैसे मतलब यहाँ पे बच्चे और सब लेडीज़ मेल फीमेल सब इंजॉय कर रहे हैं, भरपूर तौर पर इंजॉय कर रहे हैं और इस फेस्टिवल का जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इंजॉयमेंट का वो बनाया है बहरिया वालों ने। तो पहले तो हम यहाँ पे चलेंगे कि स्टॉल्स वालों से थोड़ी बहुत मुलाकातें करेंगे और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे यानी कि जो फैमिलीज आई हुई है उनसे उनकी राय पूछेंगे कि आपको लोगों को फेस्टिवल कैसा लगा और कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस। तो चले चलते पहले किसी स्टॉल वालों के पास चलते हैं, देन फिर हम लोग फैमिली से बात करेंगे। जी तो हम लोग मौजूद हैं एक और फैमिली के साथ और इनसे इनकी राय जानेंगे इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर पहले तो अपना नाम बताएं और उसके बाद जो है इस इवेंट के बारे में बताएं कि जो बहरिया ने एक इवेंट करवाया है ईद मेला करवाया, ये फैमिलीज के लिए कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मैं बस जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया है तो अभी मुख्तलिफ शुरू से देखता हूँ आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों के लिए सामने अच्छा था और बच्चों ने सामने अच्छा इनको लगा, बाकी आगे देखते हैं अभी इंजॉय करते हैं थोड़ा सा, अभी जस्ट मैं तो 5 मिनट्स भी नहीं हुए आया हूँ तो वैसे अच्छा लग रहा है कि एक गैदरिंग है यहाँ पे, एक अच्छा है हमारे एक बहरिया की छोटी सी कम्युनिटी है तो उस हवाले से एक अच्छी है। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। तो ये एक और यानी कि यहाँ पे जो आए हुए हैं बंदे फैमिलीज आई हुई हैं उनसे मुलाकात करी और उनसे इनके बारे में जाना, इस इवेंट के बारे में जाना, तो चलें फिर आगे चलते हैं और बंदों से पूछते हैं। जी तो भाई हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे जुनेद भाई के साथ जिन्होंने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है और स्टॉल के अलावा हम लोग इनसे पूछेंगे कि ये इस फेस्टिवल के बारे में कि ये फेस्टिवल कैसा चल रहा है और कैसा लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्स है इस फेस्टिवल के बारे में, और इसके अलावा इनसे पूछेंगे ये लोग के प्रोडक्ट जो है अपनी सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, क्या हाल है, खैरियत से?
वालेकुम सलाम, सब क्या है आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जुनैद भाई, थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में, यानी कि जो फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में बताएं, और इसके अलावा यहाँ पे जो लोगों की क्या एक्सपीरियंस है? लोगों का एक्सपीरियंस है फिलहाल तो अच्छा है एक्सपीरियंस, और गुजारिश है कि आप सब भी आएँ, और यहाँ हर चीज़ है मुकम्मल, हर चीज़ तकरीबन। और हमारा अपना स्टॉल भी लगा हुआ है, लेडीज शूज है, परफ्यूम है, और ये बैग्स हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ है यहाँ पर, और मुख्तलिफ़ रेट पर, मुनासिब प्राइस है, मुख्तलिफ रेट है। मतलब कि कोई जैसे कि बाहर कभी होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब मुनासिब रेट में दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुनासिब रेट है सर, और बिल्कुल फिक्स प्राइस भी अच्छे हैं खासे, और क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। और इनका स्टॉल नंबर जो है वो 25 है, और इनके पास ज़रूर आएँ, विज़िट करें, और यहाँ से आप परचेस करें और इन्जॉय करें इस इवेंट को। तो आगे चलते हैं हम लोग और स्टॉल वालों के पास, मुलाकात करते हैं उनसे, तो चलें आ जाएं। जी तो भाई, हम लोग एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, और इस स्टॉल में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ देखी, तो हम लोगों ने यहाँ पे इनसे बात करने ही करी, तो हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे नाम जानते हैं इनका, और इनसे जानते हैं कि अपने स्टॉल में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? खैरियत से? जी ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएँ? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर, पहले तो अपना नाम बताएँ, और उसके बाद ये बताएँ कि आप अपने स्टॉल पे जो है वो क्या आइटम सेल कर रहे हैं, और ये उसके बाद ये इवेंट जो फेस्टिवल लगा है, ये ईद मिला, ये आपको यानी कि कैसा है रिस्पॉन्स है लोगों का, और क्या राय है आपकी इस बारे में? मेरा नाम हमाद सुहेल है, और मेरे स्टॉल पर जो है ड्रिंक्स, हेयर एसेसरीज हैं बच्चों की, और ज्वेलरी है, और बैग्स हैं, स्नैक्स हैं, फेस पेंटिंग है, और मेहंदी आपके सामने। इस इवेंट के बारे में बताएं कि जो मेला लगा हुआ है, ईद मेला लगा हुआ है, थोड़ा सा इस मेला के बारे में बताएं। ये माशाल्लाह से 5 दिन का है, और इफ्तार से लेकर मिडनाइट तक होता है। पहले तो बैरिया मैनेजमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। आप देख रहे हैं कितनी फैमिली यहाँ पे आ रही है स्टॉल पे, वैसे भी आ रही है हर जगह, मतलब रश ही रश है, बहुत अच्छा है। इस तरह ये अगर हर साल होता रहे तो बहुत ही अच्छा इवेंट है। ऐसे इवेंट्स जो हैं वो होते हैं, तो लोगों के लिए बहुत इंटरटेनमेंट होती है, एक अच्छा वो होता है। माता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो फिर ये तो हो गई एक और बात, तो चलते हैं अब थोड़ा सा खाने पीने की तरफ, वहाँ पे जाके देखते हैं खाने पीने में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। जी तो हम लोग आ चुके हैं खाने पीने की साइड पे, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के, तो इसी से हम लोग को भी भूख लगी थी घूमते घूमते, तो हम लोग ने यहाँ पे एक अच्छा सा स्टॉल देखा, यानी कि यहाँ पे ब्रेड केस के नाम से, और यहाँ पे इनसे पूछते हैं ये लोग क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, और इनका फूड प्रोडक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर, आप पहले तो आप सबसे पहले नाम बताएं। मोहम्मद उस्मान खलील। मोहम्मद उस्मान भाई, आपकी जो प्रोडक्ट सबसे डिफरेंट लगी एक तो, और आप ये क्या चीज़ है थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी, ये स्टफ़ चिकन ब्रेड है, ये बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड होती है, और क्या कहते हैं अपना, इसमें चिकन है, चीज़ है, इट्स जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा, और मतलब पिज़्ज़ा टाइप की ये चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी खाने पीने के बाद, अगर मैं इस इवेंट यानी कि जो ईद मेला लगा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये बैरिया ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है, इसमें एक तो हम वेंडर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, और जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पर उनको एक मौका मिला है एंजॉय करने का, और इसमें काफ़ी मतलब एक ग्रोथ है, एक पोटेंशियल है, एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी बात, अपना थोड़ा सा आप स्टॉल नंबर भी बता दें, ताकि अगर यहाँ लोग आए विज़िट करने के लिए तो। जी, हमारा स्टॉल नंबर 20 है, और हमारा जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है ब्रेड एस, तो वो हमारा लगा हुआ है आगे, और 20 नंबर है हमारा स्टॉल नंबर 20 है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो ये थोड़ी सी खाने पीने की बात हो गई, तो भाई हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे लोगों का रिव्यूज़ लेते हैं, यानी कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, और लोगों के मतलब क्या ख्याल आते हैं, और क्या राय है इस इवेंट के बारे में। जी तो भाई, हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे एक फैमिली के साथ, जो कि यहाँ पे इस इवेंट को यानी कि ईद मेला को एंजॉय करने के लिए आई हुई है, और यहाँ पे इस इवेंट का जो है वो लुत्फ़ उठाने के लिए आई हुई है, तो इनसे हम लोग जानते हैं कि इस इवेंट के बारे में, और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और इनका क्या कहना है इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा भाई, अब बताएं कि इस इवेंट के बारे में, जो ईद मेला लगा हुआ है, ईद मेला के बारे में बताएं, और इसके अलावा आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बार? ईद मेला एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है बैरिया टाउन के लोगों के लिए, और बैरिया टाउन के लोगों के लिए ये तोहफा है,
ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ से इन्जॉय करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉयमेंट का ये एक इवेंट है यहाँ पे, सब इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और हम भी इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। अच्छा हो गया, मतलब ये कि यहाँ पे एक अलग ही डिफरेंट लेकर आए बैरिया वाले, जो कि बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अप्रिशिएटिंग बैरिया दैट उन्होंने ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है जो आज से पहले बैरिया ने कभी नहीं उठाया। तो ये बैरिया वालों ने इवॉल्व किया है अपने आप को, और ऐसे इवेंट्स जब तक नहीं होंगे तो इन्जॉयमेंट और गैदरिंग्स में ये लुत्फानंदोज़ नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो ये एक बंदे की एक्सपीरियंस था और बंदे की यानी कि इस इवेंट के बारे में राय दी। तो इसी तरीके से हम लोग चलते हैं और बंदे से मुलाकात करते हैं, तो आ जाएं चलें जी। तो हम लोग मौजूद हैं एक और फैमिली के साथ और इनसे हम लोग जानेंगे इस इवेंट के बारे में और इसके अलावा जो है यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये माशाल्लाह फैमिली आई हुई है, और इनका बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे स्टॉल्स का क्या है और बैरिया ने जो ये ऑर्गेनाइज करवाया इसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुना खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास माशाल्लाह से, यहाँ आके और मज़ीद ठीक ठाक हो गए हाँ भाई, क्योंकि इवेंट ही ऐसा है। अच्छा थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताएं कि ये इस इवेंट का इस बारे में आपका क्या कहना है जो बैरिया ने ऑर्गेनाइज़ करवाया? देखें बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि जहाँ पे अगर आप देखें तो शहर से बिल्कुल ही दूर हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे बैरिया वाले जितने भी हैं, और किसी भी चीज़ की परचेसिंग के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो एक बहुत अच्छा ये काफ़ी अप्रिशिएबल जो है एक्ट है इनका बैरिया का, कि इन्होंने इनिशिएट किया कि यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है कि अब आपको बहरिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वैसे तो और भी किसी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ता, बस इस तरीके की ये फीलिंग आ रही है कि जो ना ईद के अंदर जो ना वी आर इनटू इन द ईद। तो कराची में तो ऐसा ही होता है कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक ईद का माहौल पता चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो जो है फीलिंग जो है ना मज़ीद जो है ना तेज़ हो रही है आपके वाकई में ईद तक हम पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, फिर मुलाकात। तो ये एक और फैमिली की राय थी यानी कि उनका एक्सपीरियंस था और इस बारे में था कि जो ईद का फेस्टिवल लगा हुआ है, तो कवरेज करने का मतलब ये था कि आप लोग भी आएँ और इन्जॉय करें, इस तरीके के इवेंट और ज़्यादा होने चाहिए ताकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं यानी कि यहाँ की पब्लिक रहती है उनके लिए एक और अच्छा और इवेंट हो और उनको मज़ा आए ताकि वो ज्वाइन करें इस इवेंट को और उनको फ़ायदा रहे। तो इसी तरीके से मुझे दे इजाज़त, तो फिर मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दीलदाबाद करे आपके ख्वाबों को आबाद।